नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, दीपावली का पावन त्यौहार खत्म हो गया है दोस्तों, और इस बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है दोस्तों हमारे देश में, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भूटान के किंग दोस्तों, जो जिनका नाम था जिग्मे केसर नामग्याल जी हमारे देश आए हुए थे दोस्तों। वो 3 नवंबर को आए थे हमारे देश और 10 दिसंबर तक वो हमारे देश में रहे हैं। लगभग आपका 7 से 8 दिन का उनका भारत की यात्रा था दोस्तों, और जो कि काफ़ी सफल यात्रा रहा है दोस्तों। सबसे पहले वो असम गए, असम में जो मंदिर है वहाँ गए दोस्तों। फिर आपका महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में विजिट उन्होंने किया है, मंदिर वगैरह गए हैं। फिर वहाँ से वो भारत सरकार से मिले, भारत सरकार के जो भी टॉप मंत्री हैं, टॉप जो हैं, जो सीनियर लेवल पर है, उनसे उनका मुलाकात हुआ। और फिर अंततः उनसे बिजनेसमैन से भी उन्होंने बात किया दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने भेंट की। जो जो इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं, जो कि टॉप कंपनी जैसे अडानी हो गया, फिर आनंद महिंद्रा जी, उनसे भी उनका अच्छा बातचीत हुआ है। और कैसे वो अपने देश में डेवलपमेंट ला सके, इस मुद्दे पर बात हुआ है तो इसमें दोस्तों। और भारत सरकार से, भारत सरकार जो जो इंसेंटिव भूटान को दे रही है दोस्तों, जो कि जैसे कि अभी पंचवर्षीय वहाँ पर योजना चल रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार इंसेंटिव देती है, पैसे देती है, ताकि भूटान जो है वो डेवलप्ड मतलब विकास करता रहे। तो इसके लिए भी वहाँ के जो किंग हैं केसर नामग्याल, उन्होंने भी भारत सरकार को धन्यवाद दिया है इसके लिए कि आप समय पर असिस्टेंस मुझे मुहैया कराते रहते हैं। वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट भी लग रहा है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, वहाँ पर जो आपका चीन, जो कि चीन से भी भूटान का बॉर्डर लगता है, तो उससे भी भारत जो है वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से बातचीत हुआ है दोस्तों। अच्छा है, दूसरा एजुकेशन, पहला तो आपका हेल्थ में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है वहाँ पर। भारत सरकार हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, कैसे भूटान डेवलप करे, कैसे भूटान विकास करे, उसके लिए भी भारत सरकार जो है दोस्तों वो लगातार वहाँ पर प्रयास कर रही है, तो लगातार मेहनत वहाँ पर करती रहती है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस बार जो था दोस्तों,